पत्नी सनी देओल की सौतेली माँ है। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी रचाई। आपको बता दें कि धर्मेंद्र से शादी कर यूं तो हेमा बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातों का मलाल भी है। किसी की दूसरी पत्नी बनने को लेकर हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया था। धर्मेंद्र संग अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर हेमा मालिनी ने कहा था कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सब कुछ परफेक्ट है, क्योंकि हर शख्स को हमेशा अपनी जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। बकौल हेमा कहती हैं कि मुझे वो सब नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, लेकिन वो चीज़ मेरे पास नहीं थी, उसे मिस करने का मौका मैंने खुद को कभी दिया ही नहीं। जी हाँ, हेमा मालिनी ने बताया कि शादी के बाद भी धर्मेंद्र पर पहला हक उनके परिवार का ही रहा। धर्मेंद्र दिन भर हमारे साथ रहते तो रात में अपने घर चले जाते थे। हेमा मालिनी ने बताया कि जब उनकी बेटियां छोटी थी तो अक्सर पूछ लिया करती थी कि पापा हमारे साथ रात में घर पर क्यों नहीं रुकते हैं। हेमा मालिनी ने इस इंटरव्यू में बताया था कि भले मुझे वो सब मिला जो एक पत्नी डिजर्व करती है, लेकिन धर्मेंद्र मुझे जितना प्यार करते हैं उतना शायद ही कोई किसी से करता हो। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनकर तो हेमा मालिनी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उनको इस बात का भी मलाल था कि दिन भर धर्मेंद्र उनके पास ज़रूर रहते थे कि लेकिन रात में वो अपने परिवार को समय देते थे, अपनी पहली पत्नी और उनके बच्चों को समय देते थे। इस बात का मलाल हमेशा हेमा मालिनी को रहा और हेमा मालिनी की बेटियां हमेशा ये बात पूछती भी थी कि पापा घर पर क्यों नहीं रहते, चले क्यों जाते हैं। जी हाँ, तो इस बात का मलाल हमेशा हेमा मालिनी को रहा, जिसके बाद उन्होंने अपना दर्द बयां किया। तो आपको उस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सरभी की रिपोर्ट।